बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइल्ड बोर, डैमेज रिडक्शन। हम बात कर रहे थे कल्चरल प्रैक्टिसेस की, कि जिसके जरिए जो है ना हम लोग वर्टिब्रेट पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कि उसमें आज हम बात करने लगे हैं वाइल्ड बोर डैमेज रिडक्शन को, कि हम लोग किस तरह से जो है ना वाइल्ड बोर डैमेज को काम कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म की कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जिसके ज़रिए जो है हम लोग जो हेल्प करते हैं कि हम लोग जो है वाइल्ड बोर का जो है ना वो रिड्यूस करें कवर को, रिड्यूस कवर और इसके साथ साथ रेस्टिंग प्लेस। दो ही चीज़ें हैं। अगर हम लोग किसी की भी पेस्ट की प्लेस या फूड को किसी भी जगह से ख़त्म कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ पे उस स्पीशी के रहने के चांसेस क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, यहाँ तक कि रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें ना शुगर कैन फील्ड के हवाले से, तो वहाँ पर जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का शेल्टर जो है ना वाइल्ड बोर को जो है ना मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर उसके रहने के चांसेस जो है ना वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। अब हम लोगों ने ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करना है कि शुगर कैन फील्ड में वाइल्ड बोर डैमेज की रिडक्शन की जा सके। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को लार्जेस्ट ब्लॉक्स जो है ना उसमें कमी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है? यानी कि 1/2 एक्टर के, 1/2 एकर के, 1 क्वार्टर के अंदर जो है ना हम लोगों ने ना इसको मैनेज करना है। क्लियर है? हम लोगों ने करना है प्रेजेंटली प्लांटिंग एंड रिड्यूस दी लार्जेस्ट ब्लॉक्स इनटू दोस नो लार्जर देन 1/4 टू 1/2 एकड़। क्लियर? के वो जो है ना वो ब्लॉक्स जो है ना वो 1/2 एकड़ के 1/4 से ज्यादा ना हो। क्लियर है? या फिर और अल्टरनेटिवली जो शुगर कैन की जो प्लांटिंग है ना इन स्ट्रिप्स, किसमें करनी चाहिए? स्ट्रिप्स में करनी चाहिए जो कि नो वाइडर देन 25 मीटर, जो कि 25 मीटर से ज्यादा ना हो। इसकी रीजन क्या है जी? इसकी रीजन ये बताने लगी हूँ। रीजन ये है कि अगर तो इससे ज्यादा जो है ना वो स्ट्रिप्स चोरी होती हैं, तो वाइल्ड बोर जो है ना वो आसानी से छुप सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और इनकी जो है ना इनकी ब्रीडिंग की प्लेसेस भी मिल सकती हैं। क्लियर है? इसलिए जो है ना वो जो स्ट्रिप्स है ना वो 25 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाइल्ड बोर प्रेफर टू हाइड, रेस्ट, ब्रीड इन द लार्जर ट्रैप्स ऑफ शुगर कैन, इन लार्जर ट्रैक्स ऑफ शुगर कैन। क्लियर है? बिकॉज हेयर आर दे आर बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट ऑफ डॉग्स। अगर उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो वो डॉग्स या ह्यूमंस की जो हरासमेंट है ना उससे भी बच सकते हैं। बिकॉज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट बाय डॉग्स एज वेल एज ह्यूमंस। ठीक है? ह्यूमंस और डॉग्स की हरासमेंट से भी क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं।
अगर तो ब्लॉक्स को बनाया जाए स्मॉलर, स्पेशली ओपन लेंस में या पैसेजेस, ब्लॉक्स की पैसेजेस में, तो वो भी इजीली जो है ना वो पेट्रोल किया जा सकती है, और वाइल्ड बोर जो है ना उसको जो है ना आसानी से जो है ना वाइल्ड बोर फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज सच फील्ड्स, तो ये भी जो है ना मुमकिन बना सकता है कि वाइल्ड बोर जो है ना शुगर केन की फील्ड्स को पे जो है ना वो अटैक ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके। हम लोगों ने क्या करना है, ब्लॉक्स वर मेड मच स्मॉलर, ब्लॉक्स वर मेड मच स्मॉलर, ब्लॉक्स को हमने क्या करना है स्मॉलर बनाना है, स्पेशली स्पेशली इफ दे वर ओपन लाइंस, ओपन लाइंस या फिर पैसेजेस, पैसेजेस बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक्स, जहां पे क्या किया जा सके इजीली पेट्रोल किया जा सके, पेट्रोल। ये क्या कर देगा, इट फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज सच फील्ड फॉर वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर डिफिकल्ट टू सच फील्ड। अगर पैसेज, अगर हम लोग ने ब्लॉक्स ही छोटे बना दिए हैं तो ऑटोमेटिकली इस पे जो है ना चांसेस जो है ना इसके रहने में कमी आएगी। और दूसरा एक जबरदस्त किस्म का मेथड ये है कि हम लोग जो है अनदर मेथड टू यूज इन वाइल्ड बोर डैमेज रिडक्शन वुड टू बी अ प्लांट दी कैन वराइटीज इन सिंक्रोनी, कि हम लोग जो ना अल्टरनेटिव यूटिलाइज करें, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक वराइटीज है, प्लांट दी कैन वराइटीज इन सिंक्रोनी, प्लांट प्लांट द कैन वेराइटीज वेराइटीज इन सेंक्रोनी, सॉफ्ट रिंग वेराइटीज, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सॉफ्ट रिंग वेराइटीज, अगर हम लिख के लिए प्लांटेड कर दिया जाए उसी टाइम पर, और ये पक भी इकट्ठे ही जाएं, और इनकी जो हार्डन वेराइटीज है ना वो प्लांटेज हो जाए, एक ही डेवलपमेंट इनकी एक साथ हो जाए, तो इस तरह से भी जो है ना सॉफ्ट रिंग वेराइटीज को अटैक सबसे पहले होगा, ठीक है, अटैक सबसे पहले होगा और ये इंडिविजुअली अटैक होगा, इस तरह से शुगर कॉन्टेंट्स जो है ना वो, बिकॉज इनके जो शुगर कॉन्टेंट्स होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, और इस अगर जल्दी पक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन पर जो अटैक होने का खदशा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और मज़ीद ये कि हम लोग की शुगर कैन की जो फसल है ना वो इसके अटैक से बच जाएगी। क्लियर है, सॉफ्ट रिंग वेराइटीज आर अटैक्ड, अटैक्ड फर्स्ट एंड इंडिविजुअली, इन इंडिविजुअली, क्लियर है, रीजन क्या है जी इसकी, रीजन ये है शुगर कॉन्टेंट टेंड टू राइज अर्ली एंड दे आर सेलेक्टिवली डैमेज, एंड दे आर सिलेक्टिवली डैमेज। क्लियर है, ये वाइल्ड बोर डैमेज रिडक्शन के मैंने कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। कल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग वो तमाम प्रोसेस या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं जिसमें हम लोगों ने किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इस्तेमाल किए बगैर
अपनी क्रॉप को भी इन्हेंस करना है और लाइफ स्टॉक हेल्थ को भी इन्हेंस करना है, और इसके साथ साथ अपनी क्रॉप को बचाना है वीड से, पेस्ट से और डिजीज प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेसेस है कि हम लोगों ने क्या करना है, स्मॉलर ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखना है कि नो लॉन्गर देन लार्जेस्ट, अगर सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक भी है तो वो नो लॉन्गर देन 1/4 to 1/2 के, अगर 1/2 के को 1/2 एकर के 1/4 से भरा ना हो, और हम अगर हम लोगों ने इससे चिप्स बनानी है तो उनकी भी चौड़ाई जो है वो 25 मीटर से ज़्यादा ना हो, क्लियर है। उसकी रीज़न ये है कि इससे ज़्यादा होगा तो इनको जो है वो रिहाइश भी मिल सकती है और फूड भी मिल सकती है और नेक्स्ट ईयर ब्रीडिंग भी कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस जो एक एक्सीलेंट वे है, उसमें हम लोगों ने कहा, ये कहा है कि प्लांट द कैन वराइटीज इन सिंक्रोनी, के हम लोग ऐसी वराइटीज़ को पैदा करवाएं जो कि एक साथ ही ग्रो करवाएं, और इस पर जो है ना हम लोग जो अपनी ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिशियल देने वाली जो क्रॉप है ना उसको हम लोग बचा सकें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर फील्ड या एज कम्पेयर टू दी अदर क्रॉप। जैसे हम लोगों ने बात की सॉफ्ट ग्रीन वराइटीज़ की, जो जिसपे अटैक भी फर्स्ट हो सकता है और ये पक भी सबसे पहले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, जिसमें शुगर कंटेंट होता है ये जल्दी राइज हो जाता है और ये सेलेक्टिवली डैमेज भी करता है, क्लियर है। तो ये था बेसिकली वाइल्ड बोर डैमेज रिडक्शन में कुछ स्ट्रेटजीज। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।